मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के उज्जैन थाना अंतर्गत उज्जैन नगर में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के गद्दीपति को लेकर परिवार के करीब 15 लोगों ने छिप्रा नदी के चक्र तीर्थ घाट पर शुरू किया जल सत्याग्रह। उज्जैन ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के गद्दीपति रहे गुलाब नाथ जी महाराज के 25 अगस्त को स्वर्ग सिधार जाने के बाद से महाराज जी के परिवार और नाथ संप्रदाय के लोगों में नए गद्दीपति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसके चलते परिवार के लोगों ने छिप्रा नदी के चक्र तीर्थ घाट पर न्याय नहीं मिलने तक जल सत्याग्रह शुरू किया है। परिवार का कहना है कि नाथ संप्रदाय के लोगों ने जबरदस्ती गद्दी पर कब्जा कर लिया है, जबकि गुलाब नाथ जी ने वसीयत में अपने पर पोते देवानाथ को उत्तराधिकारी घोषित किया है। साथ ही परिवार ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 से 3 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो हम परिवार सहित कलेक्टर कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लेंगे। खाजरों से मुरलीदास बराग की रिपोर्ट। शॉर्टकट में बताना क्या पूरा मामला है विवाद ये गादी का, उसमें चित्रा नदी में उतरे आप? जो हमारे मेन पे गुलाबनाथ जी जो है वो हमारे दादाजी थे ऋण मुक्तेश्वर पे, और उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में हमारे वसीयत कर गए हैं देवानाथ जी के, ये दूसरा अधिकारी घोषित कर गए। जो रामनाथ है वो पिस्तल लाके गुंडागर्दी लाके हमको चमकाया धमकाया जा रहा है, हमको मार रहा है, महिलाओं के साथ अधभरता की उनने, और हमारे साथ मतलब हार कर दिया प्रशासन ने। रात को आके प्रशासन भी मीडिया वालों को खबर नहीं करी है, ये मिली जुली भगत है प्रशासन, जिला प्रशासन। रात को आके हमको बाहर कर दिया और उस रामनाथ को बिठा दिया गया। आज हम घर से बेघर है, हमारे बच्चे मासूम बच्चे आज पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अधभरता की है। क्या शिवराज सरकार को इससे ध्यान नहीं देगी कि महिलाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन बच्चों की पढ़ाई के बारे में ध्यान नहीं दे रहा प्रशासन? क्यों एक रामनाथ ही प्यारा है, ये बाकी 17-18 जान की कोई परवाह नहीं इस प्रशासन को? जो आज हमको चमकाए, जब हम बाजार जाते हैं तो हमको चमकाया उनके गुंडा बेचता, बोला तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पुलिस आज हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं, जब तक हमारा न्याय नहीं होगा हमारा मंदिर के, जब तक ताले प्रशासन नहीं खोलेगी जब तक हम ये करते रहेंगे, और अगर 1-2 दिन में न्याय हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कलेक्टर ऑफिस जाके और हम पूरा परिवार आत्महत्या करेंगे। ये बसियत जिनने करी वो कौन थे और ये कौन है जिसके नाम बसियत करी है? वो जो बसियत करी है वो मेरे दादाजी गुलाबनाथ जी, वो मेरे दादाजी थे, और ये उनका पड़पोता है, देवानाथ को वसीयत करके गए, उत्तराधिकारी घोषित करके गए। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम प्रहलाद नाथ, ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैन। बताओ क्या गादी पति की क्या लड़ाई चल रही है आज तुम चित्रा मंदिर में क्यों उतरे? हम रामनाथ है हमारे मंदिर को कब्जा कर रहे थे, हम मालिक हमने रामनाथ हमको धमका रहे हैं, हम पिताजी हम कहीं जाते हैं घूमने, तो हमें पिस्तल भी कहता कि तुम्हें जहाँ मुझे मार देंगे तो मंदिर के अंदर रखते थे। जब हम मंदिर पे जब वो कह रहे थे रामनाथ कहते हैं कि तुमको उठा के ले जाएंगे, वो करेंगे तुझे मार देंगे, वो कर देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देवानाथ है। ठीक है।